चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज वीडियो में देखते हैं कि जो हमारा जो ब्रिक होता है उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, और इसको ब्रिक को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ब्रिक को क्लासिफाई किया जाता है। चलिए देखिए, ये जो ब्रिक है आपका, ये जो डायग्राम है, इसमें एक ब्रिक का डायग्राम है, ठीक है। ये देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है, डायमेंशन होता है वो आपका, वो 190 × 90 × 90, ये सब कुछ सारा कुछ एमएम में दिया है, ठीक है। जिसका डायमेंशन है 190 × 90 × 90, ठीक है। ये 190 होता है, ये 90 होता है, ये 90, ठीक है। और जब मोटार के साथ हम लोग इसका डायमेंशन देखते हैं तो ये 200 हो जाता है, ये 100 और ये 100, ठीक है। चलिए, ये जो ब्रिक होता है अपना जनरली क्यूबॉइड क्यूबॉइडल शेप का होता है, मतलब कि ये क्यूबॉइड होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन आपका ये है विथ विदाउट विदाउट मोटार एंड विथ मोटार, ठीक है। चलिए, ये क्या है? ये है आपका फ्रॉग। फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फ्रॉग होता है अपना जनरली शेयर की के प्रोवाइड करते हैं। अब शेयर की क्या है? शेयर की है कि जैसे देखिए, जैसे हम लोग मोटार को कहाँ प्लेस करेंगे, मोटार को कहाँ डालेंगे। देखिए, जब आपका मिस्त्री जब मोटार को इसमें, देखिए जो ये ब्लॉक है, मतलब ये जो हल्का सा डेप्थ है इसकी, चलिए इसकी डेप्थ से पहले पहले बात करते हैं। देखिए, ये जो है इसका डायमेंशन ये 100 है, ये जो डायमेंशन इसका ये 40 है, और जो इसकी डेप्थ होती है वो 10 से लेके 20, ये सारा डायमेंशन भी आपका एमएम में है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करते हैं, आपका जो मोटर होता है उसको प्लेस किया जाता है, शेयर की के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपकी क्या कहते हैं, जो ब्रिक का ओनर होता है उसका नाम लिखा रहता है, या जो मैन्युफैक्चरर रहता है, नहीं, जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरर रहता है उसका नाम लिखा रहता है, कह सकते हैं। हाँ, एक तरीके से वो उसी कंपनी का ओनर भी है, ओनर का भी नाम लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, ओनर के नाम से हमें क्या लेना देना है, ठीक है, हमें तो अपने ब्रिक के बारे में देखना है। चलिए देखते हैं क्लास 1 ब्रिक के बारे में। क्लास 1 ब्रिक है अपना, जो ब्रिक होता है वो वेरी गुड ब्रिक होता है, ठीक है। ये सुपीरियर वर्क के लिए अपना इस्तेमाल किया जाता है, और जो स्ट्रेंथ होती है उसकी 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। जो वाटर एब्जॉर्ब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ इट्स वेट। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 24 आवर्स तक अगर हम लोग इसको पानी के अंदर सोक करेंगे तो जो उसका ड्राई वेट है उसका उसकी वेट का 20% पानी से, मतलब 20% जिसके ड्राई वेट से ज़्यादा उसके पानी नहीं सोखना चाहिए, मतलब जो उसका ड्राई वेट था उस ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, ठीक है। जिसको सोक करेंगे 24 आवर्स के लिए, अगर हम लोग उसको रखते हैं पानी के अंदर, तो जो उसका ड्राई वेट था, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई ड्राई वेट था एक ब्रिक का, उसको पानी के अंदर हम लोग डाल देते हैं, तो जो ड्राई वेट ऑफ ब्रिक है, और अगर पानी में जो उसकी, मतलब जो पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो पानी है उसके पोर्स में क्या कहते हैं चला जाता है, तो वो जो उसका जो ड्राई वेट होता है उसके 20% से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्लास 1 के ब्रिक की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जनरली 12 से 20% ले लेते हैं, ठीक है, 12 से 20%, लेकिन फिर भी एक 20% का उसमें एक क्राइटेरिया है, ठीक है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20%, मतलब जो ड्राई वेट है उसके 20% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पानी नहीं सोख करना चाहिए उसको, ठीक है। कलर जो होता है आपका रेडिश कलर का होता है, और अगर दो ब्रिक को क्या कहते हैं हम लोग आपस में अगर लड़ाते हैं क्लास 1 ब्रिक को, तो जो मेटालिक साउंड आता है वो हेली मेटालिक साउंड आता है, बॉम्बार्डमेंट अगर करेंगे तो मेटालिक साउंड आता है, ठीक है। वन दो वन टू फर्स्ट क्लास 1 ब्रिक स्ट्राइक टू इच अदर, इट विल प्रोड्यूस अ बॉम्बार्डमेंट एंड हेंस प्रोड्यूस मेटालिक साउंड, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं जो अपना क्लास 2 ब्रिक है, इट इज़ गुड, मतलब ये ठीक है, अच्छा है। इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और जो वाटर एब्जॉर्ब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 22% ऑफ इट्स ट्राई वेट, मतलब कि अगर उसको 24 घंटे तक पानी के अंदर सोक करके रहेंगे, सोक करके रखेंगे, तो 22% से ज़्यादा पानी ये नहीं सोक करना चाहिए, नहीं तो क्लास 2 ब्रिक की क्राइटेरिया को फॉलो ये नहीं करेगा, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और अगर इस सेकेंड क्लास के ब्रिक को अगर हम लोग स्ट्राइक कराते हैं एक दूसरे में, अगर स्ट्राइक कराते हैं बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, तो जो साउंड आती है वो हाई पिच मेटालिक साउंड नहीं आती है। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 3 ब्रिक के बारे में देखते हैं। दे आर नॉट यूज फॉर सुपीरियर वर्क, मतलब कि जो अगर हमको कहीं कोई सुपीरियर वर्क करना है तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, कंपेरिजन टू फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ब्रिक ये बहुत कम होती है, ठीक है। ये टेम्परेरी वर्क में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ब्रिक इस ब्रिक को टेम्परेरी वर्क में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, वाटर वाटर एब्जॉर्ब शुड नॉट बी 24%, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है 24 आवर के लिए अगर हम इसको पानी में सोक करेंगे तो अपने ड्राई वेट का 24% से ज़्यादा पानी ये उसमें नहीं सोक करना चाहिए, ठीक है। अगर ये सोक कर लेगा 24% से ज़्यादा पानी, तो क्लास 3 के ब्रिक की क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं करेगा। चलिए, जिसका कलर होता है वो रेडिश रेडिश येलो कलर का होता है, ठीक है, रेडिश येलो कलर का होता है। और अगर दो थर्ड क्लास के ब्रिक को अगर हम लोग आपस में
बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो इसमें थक साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब कि जो हाई पिच मेटालिक साउंड और मेटालिक साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, इसमें थक साउंड होता है, मतलब कि जो साउंड होती है वो मतलब थक साउंड होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास फोर रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर बर्न पिक्स। ओवर बर्न पिक्स के बारे में देखते हैं। चलिए, ये क्या होता है, डार्क इन कलर होता है, उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है उसके एग्रीगेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूज इन फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है मतलब जो हमारा जिसपे क्या कहते हैं बिल्डिंग खड़ी होगी फाउंडेशन पे, ठीक है, उसमें हम इस ब्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये डार्क कलर का होता है और इसका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एवरीबॉडी।